हेलो किड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं हम कौन सी नाव में बैठे। बच्चे पहेलियों में इतना खो गए थे कि उन्हें पता भी नहीं चला कि वे कब ताल के पास पहुंच गए। यह एक बहुत बड़ा ताल था जिसके बीच में एक छोटा सा क्या बना हुआ था, टापू। ताल उसमें बहुत सुंदर लग रहा था, उसमें बहुत सी बतखें शोर कर रही थी और कुछ बच्चों ने उन्हें पॉपकॉर्न भी खिलाया। ये देखो, उसके बाद सबसे मज़ेदार समय आया नाव में घूमने का। इसके लिए उन्होंने नाव को चुनना था जो आसान नहीं था। अब देखो, उनके पास बहुत सारी नावें थी। अब देखो कौन कौन सी नावें उनके पास थी। देखो वहाँ अलग अलग तरह की नावें थी जिसकी टिकटों की कीमतें भी अलग अलग थी और उनके चक्करों का समय भी अलग अलग था। अब देखो चार प्रकार की वहाँ पे क्या थी नावें। डबल डेकर नाव थी, डबल डेकर मतलब दो मंजिल वाली नाव। उसका जो टिकट था वो 30 रुपये का था और 45 मिनट में वो एक चक्कर मारती थी। फिर पैडल बोट थी, उसमें 15 रुपये टिकट था, वो 30 मिनट में एक पूरा चक्कर मारती थी। फिर मोटर बोट थी 25 रुपये में, 20 मिनट लगते थे एक चक्कर मारने में। फिर थी चप्पू वाली नाव, उसमें 15 रुपये सबसे कम टिकट था और वो 45 मिनट लगाती थी। सबसे ज़्यादा वो टाइम लगाती थी क्या करने में, पूरा एक चक्कर मारने में। अब देखो चलो हम चप्पू वाली नाव लेते हैं। वह महंगी भी नहीं और हमें इसमें आराम की सवारी में समय भी ज़्यादा मिलेगा। अब देखो सारे बच्चों ने क्या किया, जिस हिसाब से उनके पास पैसे थे उस हिसाब से उन्होंने क्या किया, अलग अलग टाइप की नावें ली। हे हम तो डबल डेकर लेंगे, इसमें संगीत भी सुनने को मिलेगा, इसकी कीमत ज़रूर कुछ ज़्यादा है पर समय भी तो ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो अब देखो हर बच्चे की अपनी अपनी चॉइस थी, अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से सारे बच्चों ने क्या किया, अलग अलग टाइप की नावें ली। अब देखो उस पर कुछ क्वेश्चंस हैं, अब आप मुझे बताओगे कि इसके आंसर क्या क्या हो सकते हैं। इंदिरा और बहन भानु पहले मोटर नाव में गए, फिर उन्होंने चप्पू वाली नाव ले ली। उन्होंने कुल मिलाकर दोनों नावों के लिए कितने पैसे दिए होंगे। देखो पहले वो कहाँ गए, पहले वो गए मोटर नाव में और फिर वो गए चप्पू वाली नाव में। तो टोटल देखो कितने पैसे दिए होंगे उन्होंने। मोटर बोट के हैं 25 रुपये और चप्पू वाली के हैं 15 रुपये, तो कितने हो गए टोटल, 25 प्लस 15 टोटल कितने हो गए वो 40 रुपीज़। उन दोनों नावों को चलाने के लिए कितना समय लग गया, समय चला देखो कितना समय लगा होगा उन दोनों को चलने में, मोटर बोट को और मोटर नाव को और चप्पू वाली नाव को 20 मिनट और 45 मिनट, तो 20 और 40 60 और 60 और 5 65, तो टोटल कितने मिनट्स हो गए, 65 मिनट्स। ओके अब देखो बच्चों का एक समूह डबल डेकर नाव में गया, उन्होंने कुल मिलाकर 450 रुपये दिए, कितने बच्चे डबल डेकर में गए होंगे। अब देखो बच्चों कुछ बच्चे क्या डबल डेकर नाव में गए और उन्होंने 450 रुपये दिए। देखो 30 रुपये का एक टिकट था और टोटल उन्होंने कितने दिए 450, तो 450 में अगर हम 30 से भाग देंगे, 30 से देखो हम भाग देते हैं 450 में, देखो 0 से तो 0 कट गया, 30 से कम 30 बचा 5 1 और 30 पंजे 150, तो कितने बच्चे गए उसमें, 15 बच्चे। ओके कौन सी नाव एक घंटे में दो चक्कर लगाती है। अब देखो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, तो अब 60 मिनट देखो 30 मिनट वाली कौन सी है, देखो ये 30 मिनट है तो कौन सी बोट है वो, पैडल बोट कितना टाइम लगाएगी, 30 प्लस 30 60 मिनट्स लगाएगी, तो 60 मिनट्स का मतलब होता है एक घंटा, तो वो कौन सी बोट है, पैडल बोट। कौन सी नाव आधे घंटे से कम समय में एक चक्कर लगाती है, आधे घंटे से कम समय मतलब 30 मिनट से कम में देखो कौन सी लगाती है, मोटर बोट है 20 मिनट्स लगाती है, मोटर बोट। किस नाव में सबसे कम पैसे में सबसे ज्यादा समय मिलता है, सबसे कम पैसे में सबसे ज्यादा समय मिलता है। अब देखो सबसे ज्यादा समय तो किस किस में मिलता है, एक इसमें मिलता है और एक इसमें मिलता है। अब सबसे कम पैसे में यहाँ देखो ये 15 रुपये की टिकट है, इसकी इसकी 30 रुपीज़ की है, तो सबसे कौन से वाली नाव में 15 रुपये में सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ मिल रहा है, चप्पू वाली नाव में। तो इसका आंसर होगा आपका चप्पू वाली नाव। जावेद ने दो बार नाव चलाई, उसने कुल 40 रुपये दिए। ठीक है, दो बार नाव चलाई उन्होंने 40 रुपये दिए, 50 मिनट और टोटल 50 मिनट तक नाव चलाई, उनसे उसने कौन सी दो नाव चलाई होंगी। अब देखो उसने टोटल 40 रुपये दिए और टाइम लगाया उसने 50 मिनट्स। अब देखो देखो ये दोनों देखो 25 और 15 कितना होता है 40 और टाइम कितना हो गया 30 और 20 50 मिनट्स, तो कौन कौन से दो बोटो चलाई उसने, पैडल और मोटर, पैडल व मोटर। ठीक है, उसके अलावा कहीं पर भी कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। देखो माना ये दोनों चलाता है तो 30 और 15 कितना होता है 45, यहाँ पर नहीं बन रहा, फिर 30 और 25 65, यहाँ 30 और 25 55 यहाँ पे भी नहीं बन रहा, 30 और 15 45 यहाँ पे भी नहीं बन रहा,
2515 देखो यहाँ पे 40 बन रहा है इसमें मोटर और चप्पू वाली में, लेकिन जो टाइम की बात आएगी तो 20 और 45 कितना होता है 65, तो 65 मिनट तो हमारे पास है नहीं क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमारे पास कितना 50 मिनट्स, तो ये वाला हुआ इसका आंसर। ओके okay?